जी मैं हूं पीएस और आप देख रहे हैं पीएस फिल्म्स प्रोडक्शन और इस वीडियो में आपको मिलने वाला है हमदम मेरे कपल सॉन्ग प्रोजेक्ट जो कि आप EDS X, EDS 9, EDS 7 किसी भी वर्जन के अंदर यूज कर सकते हैं। नए आने वाले सार्फिन के लिए गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें क्योंकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो ऑलरेडी फॉलोअर्स हैं उनके लिए गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सॉन्ग मैंने क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, ये आप देख सकते हैं। इस सॉन्ग की फाइल्स को रिप्लेस कैसे करना है आपने, मैं यहां से कुछ फाइल्स को इंपोर्ट कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे इस फुटेज को रिप्लेस करना है तो मैं अपनी फुटेज को जो रिप्लेस करनी है मुझे वो फुटेज मैं बिन के अंदर इंपोर्ट कर लूंगा और उसके बाद यहां से इसको कॉपी करूंगा और इसके ऊपर लाकर शिफ्ट आर प्रेस कर दूं। जैसे ही मैं शिफ्ट आर प्रेस करूंगा तो ये आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो गई। मैं कंट्रोल जी करता हूं तो ये रिटर्न वही वाली वीडियो आ गई, ये देख रहे हैं आप। अगर मैं यहां से इस फाइल को रिप्लेस कर शिफ्ट आर प्रेस करता हूं तो आप देख रहे हैं फाइल हमारी रिप्लेस हो गई है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है क्योंकि वीडियो के अंदर मैंने कुछ पार्ट्स के अंदर पासवर्ड दिया हुआ है। जो प्रोजेक्ट मैं अपलोड करने वाला हूं उसकी रार फाइल के ऊपर मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है। उस पासवर्ड को कुछ पार्ट्स के अंदर मैंने इस वीडियो के अंदर मेंशन कर दिया। आप कंप्लीट वीडियो को वॉच करें और पासवर्ड को तलाश कर लें और फिर आपको इस प्रोजेक्ट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको पासवर्ड को तलाश करना जरूरी है। अगर पासवर्ड को तलाश नहीं करते तो डाउनलोड की हुई फाइल आपके किसी काम की नहीं है। ये नीचे आपको ऑडियो फाइल दिखाई दे रही है, मैं इस ऑडियो को पहले की तरह जैसे मैं ऑलरेडी सभी प्रोजेक्ट के अंदर करता हूँ कि जिस भी ऑडियो के ऊपर मैंने वर्क किया होता है उस ऑडियो को मैं अलग से एक्सपोर्ट करता हूँ और एक्सपोर्ट करके उस प्रोजेक्ट के अंदर इम्पोर्ट करके उसको दोबारा से सेव करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को ऑडियो जो है एक सिंगल लेयर के अंदर मिले, आपको ऑडियो को यूज करते हुए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। यहां पर मैं इसको सेव कर देता हूं और जैसे ये एक्सपोर्ट हो जाती है जी ये एक्सपोर्ट हो गई। हम यहाँ से बिन के अंदर आएंगे, बिन के अंदर उस ऑडियो को इंपोर्ट कर लेंगे जो हमने अभी एक्सपोर्ट की है। इस ऑडियो को मैं इंपोर्ट करके इसी ऑडियो के नीचे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ देख रहे हैं डबल ऑडियो हो गई। इस ऑडियो को मैं फिलहाल के लिए डिसेबल कर देता हूँ और मैं यहाँ से इरेज नहीं करने वाला क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं। जैसे मतलब ये वाली वीडियो ऑडियो मैंने सेलेक्ट की हुई है तो इसके अंदर भी ऐसे हम पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर हम एडिटिंग कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। एडिटिंग करते हुए ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, इनके ऊपर आप वर्क कर लेते हो एडिटिंग करना आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होती आप इजीली तरीके से म्यूजिक के ऊपर वर्क कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोजेक्ट शेयर करने वाला हूँ। ये चीजें आपको अगर सीखनी है तो आप मेरी एडिटिंग लेक्चर्स के कोर्सेज को अटेंड करें, वहां पर आप अच्छे तरीके से एडिटिंग के टोटल टूल्स समझ पाएंगे। तो इजाजत दीजिए, ओके अल्लाह हाफिज। पीएस फिल्म्स प्रोडक्शन। Yes. Production. Yes. Films Production.